Hey guys, this is Diksha Juhi. Welcome to my channel Easy to Learn. Guys, आज के मैं अपनी इस वीडियो में फूड वेब को पूरी तरह से डिटेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी और साथ ही साथ मैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को भी डिस्क्राइब करूंगी. सो गाइज, स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली मैं गाइज ये बताऊंगी कि फूड वेब के बारे में किसने बताया था. चार्ल्स एल्टन पियोनर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड साइकिल, फूड चेन्स एंड फूड साइज इन हिज क्लासिकल बुक एनिमल इकोलॉजी. एल्टन्स फूड साइकिल वॉज रिप्लेस्ड बाय फूड वेब इन अ सबसीक्वेंट इकोलॉजिकल टेक्स्ट. गाइज, चार्ल्स एल्टन ने अपनी बुक एनिमल इकोलॉजी में खाद्य चक्र, खाद्य श्रृंखला और खाद्य आकार की अवधारणा का बीड़ा उठाया था. बाद में गाइज पारिस्थितिकी पाठ में एल्टन के खाद्य चक्र को फूड वेब द्वारा बदल दिया गया था. ऐसा गाइज लिंडमान वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था. नेक्स्ट गाइज, अब हम बात करेंगे कि फूड वेब क्या होती है. इन नेचर फूड चेन नेवर ऑपरेट एज आइसोलेटेड सीक्वेंस बट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इज नोन एज फूड वेब. गाइज, प्रकृति में खाद्य श्रृंखला कभी भी अलग अलग अनुक्रम के रूप में दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली गाइज ये श्रृंखलाएं एक दूसरे से परस्पर जुड़ी होती हैं. इसी श्रृंखला को ही फूड वेब के नाम से जाना जाता है. गाइज मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, मे बी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. जैसे कि गाइज एक घास होती है, ग्रास, उसे एक ग्रास हॉपर खाता है, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फिर फ्रॉग को स्नैक, फिर स्नैक को हॉक, एंड गाइज उसी ग्रास को ही एक रैबिट खाता है, फिर उस रैबिट को उल्फ खाता है, फिर उल्फ को लायन खा लेता है, फिर उसी तरह गाइज उसी ग्रास को एक इंसेक्ट खाता है, फिर इंसेक्ट को लिजार्ड खाती है, फिर लिजार्ड को स्नैक, फिर हॉक. इसी तरह गाइज उसी घास को ये तीनों ही जीव खा रहे हैं और तीनों के आगे एक अलग श्रृंखला बन रही है. तो ये जो जाल टाइप की अलग अलग श्रृंखलाएँ बनती है एक ही प्रोड्यूसर के द्वारा, उसी को ही फूड वेब कहा जाता है. मे बी गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट गाइज, अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स बाय द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज आल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन. गाइज, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो होता है वो खाद्य श्रृंखला की ट्रॉफिक लेवल यानी कि पौष्टिकता स्तर में रासायनिक पदार्थों की जो कंसंट्रेशन होती है उसमें हुई वृद्धि को ही कहा जाता है. इसे गाइज बायो एम्प्लीफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है. गाइज इसे हिंदी में जैविक आवर्धन भी कहा जाता है. सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो फूड वेब और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.